सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सब कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस यार, आज हम लोग बात करने वाले हैं TH11 की सीरीज में एंड मेडल्स के बारे में। गाइस यार, आप लोग जानते हो कि TH11 में हम लोग की मेडल मिलती है, तो उस मेडल को हम लोग कहाँ यूज करते हैं और बहुत सारे लोग कहाँ नहीं यूज करते, वो सब कुछ हम बताने वाले हैं आप लोग को डिटेल में। और आज हम लोग कौन सा डिफेंस अपग्रेड करने वाले हैं वो हम लोग बताने वाले हैं। फिलहाल यार, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा कोई भी बिल्डर खाली नहीं है। यहाँ पे क्वीन भी लगाया है मैंने, यहाँ पे इंफानो मैंने दोनों लगा दिया है जो कि मैक्स लेवल का। एक्सबो लगा दिया है, ये भी मैक्स होने वाला है। और यहाँ पे 3 एक्सबो मैक्स हो चुका है। अभी तक हम लोग ने एंड आर्मी कैम्प, ईगल ये वगैरह, और लिबोर्ट्री, और यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन खोल रहे हैं, जो कि इतना चीजें अपग्रेड कर चुके हैं। बाकी यार, यहाँ पे ये छोटे मोटे जो आर्चर एंड कैनन है उन सबको अपग्रेड कर रहे हैं। तो गाइस यार, अब बात करते हैं जो कि यार बेसिक सी चीजें यहाँ पे देख रहे हो। बिल्डर हमारे बहुत ही स्लो काम कर रहे हैं, ठीक है। इन सारे बिल्डरों को हम लोग यार स्लो और है, तो इन सभी को हम लोग किस तरीके से रखे कि ये फास्ट काम करे, ठीक है। मतलब कि आई मीन ये हम लोग को अच्छा वर्क दे। तो अच्छा वर्क देने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी चीजें हैं, जितने भी डिफेंसेस है, इस पे हम लोग को बूस्ट मारना होगा। तो गाइस यार, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि TH11 में भैया आप बूस्ट मत यूज करिए, बिलोस भाई बूस्ट यूज कर रहे हैं, तो हम लोग के पास जिम से बूस्ट नहीं मिल पा। क्योंकि यार बहुत से भाई, हर किसी के पास यार जेम्स नहीं होते हैं और हर किसी के पास जेम्स से बूस्ट नहीं मार पाते। बट यार गाइस, हर मंथ आप लोग को एक न्यू इवेंट आता है जो कि आप लोग ये जानते हो रिवॉर्ड वाला। इसमें यार गाइस, आप लोग को देखो यार, अगर आप लो लेवल के हो तो ऑफ कोर्स यार, अगर आरसी का कुछ इक्विपमेंट्स आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो उसको लेना बेकार है। स्किन आ रहा है तो ओवरऑल स्किन ले सकते हो, बट अगर स्किन ना भी लो तो आपको मैं पहले रिकमेंड करूंगा अपने डिफेंस को अपग्रेड करने का। तो आप अपने डिफेंस में पहले ये बिल्डर पोर्शन ले लो, हीरो जॉब बुक्स ले लो, या बिल्डिंग ऑफ एंड बुक्स ले लो, या बुक्स ऑफ फाइटिंग ले लो, ये मतलब ये सब लो, ये सब जरूरी होता है। बाकी हम बात करते हैं आज हम इस चीज को कैसे करें, तो मेडल्स के बारे में। तो गाइस देखो, मैंने अफकोर्स यार, मैं इस वाले जो रिवॉर्ड में है, इसमें जो रिवॉर्ड मिल रहा है, मैं इसको नहीं लेने वाला क्योंकि मेरे पास आरसी है नहीं। अफकोर्स आरसी नहीं है तो मैं इसको लेकर क्या करूंगा, चार तो डालूंगा नहीं। तो गाइस यार, मेरे जो पैसे आ रहे हैं ना, मैं इसका ये खरीदने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने इसको देखो 610 रुपए है, तो 610 रुपए का मैंने ये खरीद लिया और मैंने ये खरीदा। और यहाँ पे भाई अभी देखो मेरे पास मेडल्स भी आ रहे हैं और इस मेडल्स को मैं यूज करूंगा ऑफ कोर्स। कहां पर भाई, ये मेडल यूज करना ही इसमें जरूरी है, क्योंकि यार इसमें अगर आप जरूरी यूज करते हो, ये जितने भी मेडल्स 5 के 5 मेडल्स आप ले लो, ठीक है। अब देखो यार, मेरे पास 100 मेडल बचे हैं, मतलब हमारे पास 200 मेडल थे। मैंने फर्स्ट वॉर लीग खेला, हर मंथ आपका वॉर लीग चलता है, ये आप भी जानते हो, हर मंथ में वॉर लीग चलता है। तो वॉर लीग में मेडल आपको 250 मेडल मिलते हैं, उस 250 मेडल में आप लेना है और अफकोर्स यार 5 आपको बूस्टर ले। अब क्या यार, नॉर्मल तरीके से आपको इस पे बूस्ट मार देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बूस्ट हो रहा है भाई, अब जल्दी जल्दी यहाँ पे बहुत तेजी से बूस्ट हो रहा है। फिलहाल यार यहाँ पे बूस्ट हो रहा है और यहाँ पे 3 घंटे में ये खत्म हो जाएगा। फिर मैं अपग्रेड क्या लगाने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके बाद में गाइस यार, अपग्रेड लगाऊंगा अपनी जितनी भी छोटी मोटी डिफेंसेज है, पहले उसको लगाऊंगा, उसको कंप्लीट करूंगा। गाइस यार, ऑफकोर्स बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि बड़े डिफेंस को लगाना चाहिए, नहीं यार, मुझे पहले हीरोज और ये दो चीजों को अपग्रेड करनी है। यहाँ पे अब आप चाहो तो इसको भी दे सकते हो जेम देकर, इससे क्या होगा, 6 बिल्डर आपका अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा और ये भी अपग्रेड होता रहेगा। बाकी इतना टाइम ले रहा है, 16 घंटे ले रहा है, तो ये आपकी जो घंटे है ना ये कम हो जाएंगे और का इसमें जैसे पॉइंट आपको ज्यादा मिलेगा। अब 10 घंटे है, इसमें देखो 16, तो यहाँ पे इसको दे सकते हो, ये 10 घंटे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और ये दे दो, 6 बिल्डर भी काम हो रहा है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं और ये भी अपना 4 बिल्डर है, इस पे तो अपना काम नहीं कर सकता, ये भाई 18 घंटे ले रहा है 43। देख सकते हो मेरे सारे बिल्डर कितनी तेजी से काम कर रहे भाई, तो ऑफकोर्स इन लोगों को काम करने दो। और हम लोग ये जैसे ही 3 घंटे खत्म होता है, तब तक यार हम लोग एक बिल्डर खाली होता है, उससे पहले हम लोग एक प्यारा सा टेक कर लेते हैं और इस रिवार्ड को भी कैसे कंप्लीट करते हैं वो भी हम दिखा देते। तो देखो, एक आपको कंपल्सरी एक यहाँ से जो मिला है हम लोग यहाँ से, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मिल, क्योंकि वॉल ब्रेकर मिला है, इसको हम लोग ये यूज करेंगे एंड अपने ट्रूप में। बाकी यार जो भी चीज बना लेना, बाकी मेरे क्वीन तो लगी हुई है, लेट्स सी। मैं यहाँ पे हम लोग को पैसे अच्छे मिल रहे हैं, बट डिफेंस यार बहुत ही टफ है, पता नहीं मैं 3 स्टार निकाल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि यार मेरे पास सीध मशीन नहीं है और भी बहुत सारी चीज नहीं है, क्वीन भी नहीं है, तो अफकोर्स थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है एंड मेरे पास क्वीन भी नहीं है। बट यार देखते हैं, लेट्स सी इस पे हम लोग बेस पे निकाल पाएंगे कि नहीं। तो देखो यार, एक पेक का हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे, ठीक है,
ओवरऑल यहाँ पे पिका, यहाँ पे का, यहाँ पे का गोलम बीचेज बॉलर ठीक है, और यहाँ पे अपना बारवेलियन, यहाँ पे वॉल रिचार्ड और यहाँ पे वॉल ब्रेकर। चलो भाई वॉल ब्रेकर गया, यहाँ पे रेंज गई अंदर की ओर, सारे के सारे बंदर जाएंगे। यहाँ पे वार्डन केबिलिटी और गाइज और लाइट गाइज, यहाँ से हम लोग की जाएंगी सारी की सारी बैटिंग ठीक है। इसको पुश करेंगे ताकि विजार्ड को मार सके। चलो भाई विजार्ड मर चुका है, क्योंकि बेसिक सी चीज़ है यार, विजार्ड टावर ही बहुत ही टफ था। और ईगल को भी ले लेगा आई थिंक, इसको भी फिनिच करते हैं ठीक है, और इसको भी फिनिच करेंगे फिर से। ईगल को नहीं ले पाया आई थिंक, ईगल पे क्यों नहीं ले पाया, ईगल यार थोड़े से डाउन पड़ रहे थे ना। ईगल भाई बहुत तेज़ी से मारा, उसके बगल में बहुत सारे डिफेंस, बट यार ये थ्री स्टार नहीं हो पाएगा आई थिंक, मुझे लग रहा है। ईगल भी अपना बच गया भाई, ईगल मर गया। चलो भाई ओ ओ ओ भाई, ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई खत्म एंड यार देखो मेरा एक अचीवमेंट भी पूरा हो गया गाइस, एक अचीवमेंट भी पूरा हो गया और जिससे मुझे जेम मिल गई। तो गाइस यार अचीवमेंट पूरा क्या करो, जेम मिलता रहता है भाई, जेम हर समय मिलता है। मैं जेम के लिए एक स्पेशलिस्ट वीडियो भी बनाया कि आपको हमेशा यार 200-250 जेम आपको इनफ मिलता रहेगा, हर हफ्ते हफ्ते में आपको हमेशा 250 जेम मिलते रहेंगे। फिलहाल यहाँ लूट यार, मेरे पास ब्लू बूथ तो बहुत ज़्यादा है, ब्लैक बूथ भी है, और ये थ्री स्टार नहीं हो पाएगा आई थिंक, मुझे लग रहा है। थ्री स्टार हो जाए तो मज़ा आ जाए। वैसे तो सिंगल इन्फानो है, इन्फानो मार भाई, मार मार इन्फानो को मार, या इन्फानो को मारो, इन्फानो को मारो, नाइस वन इन्फानो को मारो, टारगेट अच्छा ले जा रहे हैं सर। इन्फानो और एक्सपोर्ट टूट जाए ना तो मज़ा आ जाए, इन्फानो एक्सपोर्ट टूट जाए तो बहुत मज़ा आएगा। इनफ ये ब्रो, अबे मार बे, ये कहाँ जा रहा है भाई, ये गधेड़ा देख रहा हूँ कहाँ जा रहा है। अबे इसको बिजार्ड भाई, एक्सपो को दे दे, एक्सपो को दे डंडा, एक्सपो बहुत सही भाई, नाइस वन भाई। उधर कहाँ जा रहे हो बे गधेड़ो, बिजार्ड को मार। लो भैया बे बिजार्ड यार, गधेड़ा इंसान भाई, बिजार्ड ने भाई सबकी धो दी भाई, सच में बता रहा हूँ बिजार्ड ने सबकी धो दी। वैसे टाइम नहीं है, वरना ये थ्री हो जाता, वार्डन मार देता सबको, दूर से हिट करता है ना भाई, अच्छे से मार देता, टाइम नहीं है। एंड ओवरऑल टाइम रहता ना तो ये हो जाता। बिजार्ड यार मैक्स लेवल का था, और खासकर यार डिफेंस भी पूरी पूरी मैक्स थी। इसमें सीज मशीन होनी चाहिए भाई, क्वीन भी नहीं थी विदाउट सीज मशीन, और सारे डिफेंस यार एकदम क्लोज क्लोज के वजह से थोड़ी दिक्कत हुई, वरना ये थ्री स्टार तो हो ही जाता। टाइम से फेल हुआ, तब भी हम लोग को 300 और 150 मेडल मिले। चलो कोई नहीं, इनफ मिला तो, पैसे भी खास नहीं मिले बट ठीक है। चलो यहाँ पे ये भी मिल चुका है, ऑग भी मिल चुका है, और यहाँ पे ये बॉय ये भी मिल चुका है, बूस्टर भी हम लोग को मिल चुका, हीरोज बूस्टर मिल चुकी भाई साहब। अब हम लोग हीरोज भी बूस्ट कर सकते, बाकी यार यहाँ से हम लोग पैसे ले सकते हैं, और पैसे भी ले लेता हूँ ठीक है 42। अब गाइस यार इसको होने दो अपग्रेड, एंड तब तक हम लोग होने दो, और इसके बाद अब डिफेंस हम लोग लगाएंगे क्या वो मैं इसको कम्प्लीट होने के बाद देखता हूँ। बाकी यार अचीवमेंट मेरा पूरा हो चुका है, 30 जेम मिल चुका देखे, तो ये चीज था। एंड गाइस यार मैं अब इसके बाद लगाने का मन है मुझे अर्चर टावर ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अर्चर टावर डुअल डुअल आता है भाई। या मैं क्लेन क्रिस्टल, नहीं यार आज मैं क्लेन क्रिस्टल लगाऊंगा, मैं भूल गया था, आज मुझे क्लेन क्रिस्टल लगाने हैं। अब कोच यार क्लेन क्रिस्टल लगाना मेरे लिए जरूरी है, एंड क्लेन क्रिस्टल लगा दूंगा तो मेरे लिए परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि यार क्लेन क्रिस्टल इसलिए लगाऊंगा कि मेरी अभी तक यार क्लेन क्रिस्टल अपग्रेड नहीं है, तो मैं क्लेन क्रिस्टल को यहाँ पे इसकी जगह रख देता हूँ ठीक है। चलो मैं क्लेन क्रिस्टल ही लगाने वाला हूँ, ऑफकोर्स ये 2 घंटे बाद, तब तक यार ये सारे बिल्डर काम करे, और हम लोग बस 2 घंटे बाद, एंड मतलब मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा। लेट्स सी, आप लोग देखो एंजॉय करो, और कंप्लीट हो जाए तो फिर हम लोग करते हैं अपग्रेड ओके।
तो गाइस फाइनली हम लोग का ये देख सकते हो मतलब 3 मिनट में होने वाला है, 3 मिनट भी नहीं, वो 3 मिनट भी नहीं लगेगा यार, बस 3 सेकंड लगेगा तो ये कंप्लीट होने वाला है। और यार गाइस अभी हम लोग इसके बाद क्लैन क्रिस्टल को लगाने वाले हैं। एंड यार ऑफ कोर्स यार क्लैन क्रिस्टल को लगाना, बहुत ज्यादा लोग बोल रहे थे क्लैन क्रिस्टल को लगाइए, क्लैन क्रिस्टल को लगाइए। तो ये हो चुका है हम लोग का ब्रेकर्स और इलेक्ट्रो हम लोग के ओपन, बूम भाई 96 एक्सपी मिलता है भाई, वाओ भाई। यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं इलेक्ट्रो को, टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे भाई, सीधा इलेक्ट्रो को लगाते हैं और यहाँ पे इसको हटाते हैं भाई। अब इसकी काम खत्म हो गई और इस ब्रेकर्स को हम लोग उठा कर रख देते हैं यहाँ, ठीक है अब कोर्स। और ये चीज हो गई, बाकी यार हम लोग क्लैन क्रिस्टल लगा चुके हैं और यहाँ पे ये भी बारबेडियन भी अपना चल रहा है अपना, बारबेडियन क्वीन भी अपनी अपग्रेड पे लगी हुई है, क्वीन भी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो गाइस यार मैं बूस्टर, बाकी बूस्टर आप लोग सोचोगे विलर्स भाई क्यों नहीं मार रहे, गाइस यार मैं बाकी बूस्टर क्यों नहीं मार रहा, उसका कारण है देखो मेरे पास अभी 6 बूस्टर हैं एंड मैं उस बूस्टर को क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं यूज करूंगा इस पे अर्चर टावर पे, क्योंकि गाइस यार अर्चर टावर देखो एक दिन लेता है, अगर इनफ मैं इस पे 2 बूस्टर मार दूंगा ना तो ये मेरा मतलब 6 घंटे के बस मैक्सिमम लेगा, तो मैं इसको मैक्स एक दिन में ही दिखा दूंगा मैक्स, ठीक है। तो एक दिन में इसकी वीडियो बना दूंगा, एक दिन में कैनन, तो मैं 6 बूस्टर इसीलिए रखा हूँ इनफ ये दोनों के दोनों का, मतलब एक एक दिन में मैं वीडियो बना दूं। और भाई अगला फिर विजार्ड टावर बचेगा जो कि भाई 3 दिन ले रहा है, तो 3 दिन का विजार्ड टावर का देंगे, वो लास्ट में देंगे, विजार्ड टावर तो हम हमेशा लास्ट में करते हैं आप लोग जानते ही हो। और गाइस यार अभी हम लोग का ये भी कंप्लीट होने वाला है, तो ये भी अपना चल ही रहा है, जब तक चलता है चलेगा। बाकी आप सबको ये वीडियो कैसा लगा और आई होप ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आज की वीडियो में ये चीजें आप लोग को पता चल गया होगा कि भाई मेडल को कहां यूज करते हैं। देखो यार लो लेवल की जब भी टीएच हो ना तो यार टीएच पे आप हमेशा बूस्टर यूज किया करो, जो कि मैं हमेशा ये रिफर करता हूँ आप लोग को, ठीक है। इस बूस्टर को यूज करोगे तो आपके लिए बेस्ट है। देखो ये फिर से आ चुका है, तो मैं यहाँ पे जितने भी मेडल है ना, मेडल से मैं बस बूस्टर खरीदने वाला हूँ और कुछ नहीं, एनीथिंग कुछ नहीं, बस बूस्टर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज यार मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।